अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम रियली सॉरी कि पिछले वीक में कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका, वो इसलिए क्योंकि मलेशिया के कुछ स्टेट्स में दोबारा से लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है और ये जो लॉकडाउन है सिर्फ 2 वीक्स के लिए है, टिल 27th ऑफ दिस मंथ। एंड आई होप कि उसके बाद ये लॉकडाउन ओपन कर दे तो मैं बाहर जाके वीडियोज़ आप लोगों के लिए शूट कर सकूँ। तो सबसे पहले आप इंट्रो देखें, उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, आपको वीडियो के टाइटल से पता लग ही होगा कि वीडियो किस बारे में है। एक्चुअली मेरे जितने भी दोस्त हैं मलेशिया में या पाकिस्तान में, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस टॉपिक पे स्पेसिफिक अलग से वीडियो बनाऊं। वो एक्चुअली मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में कहीं कहीं इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन एक प्रॉपरली वीडियो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमारे टॉपिक के बारे में कि हाउ टू गेट स्टूडेंट वीज़ा फॉर मलेशिया विदाउट एनी कंसल्टेंट इन पाकिस्तान। हमारे सोसाइटी में या हमारे पाकिस्तान में सबसे पहली बात यही आती है कि यार अगर हमने बाहर जाना पढ़ने के लिए तो पहला स्टेप यही होता है कि कोई कंसल्टेंट ढूंढो, राइट। मैंने भी ऐसे किया था, लेकिन मेरा सिनेरियो ये था, मैं सबसे पहले आपको जो ओवरऑल जो वीडियो है उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। आई एम नॉट अगेंस्ट लाइक टू एनी कंसल्टेंट इन पाकिस्तान और लाइक दैट, मैं सिर्फ आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो मेरा सारा प्रोसेस था, क्योंकि जो मलेशिया का जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। मैंने एक्चुअली अपना बैचलर्स पाकिस्तान से कंप्लीट किया और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई किया। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा ताकि आपके लिए जो सारा का सारा प्रोसेस है आपको समझने में आसानी हो। ओके, सबसे पहले व्हाई आई चूज़ मलेशिया। मलेशिया मैंने इसलिए चूज़ किया, एक्चुअली मैंने जब अपना बैचलर्स कंप्लीट किया था उसके बाद मेरा प्लान एक्चुअली था कि या तो ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना है, कनाडा के लिए अप्लाई करना, इवन आप यूरोप के लिए भी अगर अप्लाई करें तो सबसे पहले चीज़ ये होती है कि आइल्स के बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट और प्रॉपर आपका एक लॉन्ग पीरियड होता है, उसके बाद जाके आपको वीज़ा मिलता है। आजकल तो फिर भी आसान हो गया, लेकिन मैं एक साल पहले की बात कर रहा हूँ। मेरा सिनेरियो ये था कि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था। मैंने जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कंसल्टेंट से और जो एजुकेशनल फेयर्स होते हैं पीसी में, मैरियट में, सेरिना में वगैरह, तो मैंने जब वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो उसका सिनेरियो ये बन रहा था कि मैंने जिस इनटेक में अप्लाई करना था उसमें स्टिल 8 से 9 मंथ्स थे, ऑलमोस्ट अब एक ओवरऑल एक साल लगा लो। तो मैं अपना वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। मैंने जब रिसर्च करने के बाद लाइक डिसाइड किया कि यार कोई और कंट्री इनके अलावा चेक करें, तो मैंने फिर मलेशिया के बारे में चेक किया। सबसे पहला बेनिफिट ये था कि काफ़ी जल्दी प्रोसेस है मलेशिया के लिए अप्लाई करने के लिए एज अ स्टूडेंट, ठीक है। सेकंड थिंग, नो बैंक स्टेटमेंट। आई डोंट नो कि बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कुछ सिनेरियो है या नहीं, लेकिन मेरे लिए पर्सनली और ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैंने सबसे जितना भी फ्रेंड से पता किया, नो बैंक स्टेटमेंट, आपको किसी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो मेरा जो प्रोसेस था वो सिंपल ये था कि मैंने वीज़ा अप्लाई किया, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, यूनिवर्सिटी से लाइक कॉन्टेक्ट किया, अप्लाई किया, एंड दैट्स ऑल। वो मैं अभी आपको आगे स्टेप्स में सारा का सारा समझाता हूँ। आप सबसे पहले बात करते हैं मलेशिया के बारे में कि मलेशिया कंट्री कैसी है स्टूडेंट्स के लिए। मलेशिया का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मुस्लिम कंट्री है, आपको ना कोई फूड का इशू, ना आपको कल्चर का इशू, ना आपको प्रेज़ वगैरह का, मस्जिद वगैरह का इशू, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सेकंड थिंग, यहाँ का मौसम हमारे पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 मौसम हम लोगों को अल्लाह ताला की नेमत से मिले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सारा साल एक ही मौसम रहता है, ठीक है। बारिश धूप, दैट्स ऑल। इससे अलावा यहाँ पे कोई मौसम नहीं है, तो ये अपने माइंड में लाजमी चीज़ रखिएगा। तीसरा पॉइंट जो है वो ये कि ओवरऑल जो आर्टिकल्स स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली जो मैंने जो रिसर्च की है वो ये कि मलेशिया ऑल अराउंड द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल है स्टूडेंट्स के लिए रहने के लिए, कि सबसे ज़्यादा सस्ता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। लेकिन
मलेशिया का सबसे ज़्यादा एक ड्रॉबैक ये है कि स्टूडेंट्स को जॉब अलाउड नहीं है, ठीक है। बाकी कंट्रीज़ में ठीक है अगर इकोनॉमिकल नहीं है, लेकिन वहाँ पे जॉब्स अलाउड हैं, लेकिन मलेशिया यहाँ पे जॉब्स अलाउड नहीं है अनलेस और अनटिल कि आप पीएचडी स्टूडेंट हैं। अगर पीएचडी स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक आवर्स मिल जाते हैं जो आप कर सकते हैं। बाकी वही बात है कि आप अगर करना चाहें तो आप फिर भी कर सकते हैं, लेकिन रिस्क है इसमें और क्योंकि अलाउड नहीं होता। कहीं भी इमिग्रेशन आ गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइन के बाद आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा और आपको 5 साल या उससे ज़्यादा का आप पे बैन लगा दिया जाएगा। तो इससे अच्छा कि अगर आप स्टडीज़ कंप्लीट करने आए तो स्टडीज़ से फोकस करें, पैसे आप स्टडीज़ के बाद भी कमा लेंगे, लेकिन स्टडीज़ के तो टाइम में समहाउ आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपकी फैमिली या कोई भी आपको सपोर्ट करेगा। तो इस तरह अब हम बात करेंगे स्टार्ट से कि आपने यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढनी है, अप्लाई कैसे करना है। आप जब सबसे पहले कंसल्टेंट के पास जाते हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट्स लाइक आपसे पूछ के आपको एक लिस्ट बताता है कि ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप यहाँ यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इनमें ये प्रोग्राम्स हैं और ये फीस है। सेम थिंग आपने करनी है। कंसल्टेंट के पास जाके ये होता है कि आपका टाइम बच जाता है, आपको रिसर्च ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, उनके पास ऑलरेडी सारा कॉन्टैक्ट और सारी डिटेल्स होती हैं। आपने सिंपल ये करना है कि गूगल पर जाना है, गूगल पर जाके मलेशिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आपने वो सर्च करनी है। आपने जैसे वहाँ पर ये लिख देना है कि यूनिवर्सिटीज़ इन मलेशिया, राइट, या अगर आप आर्ट्स की फील्ड से हैं तो आर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ इन मलेशिया, मेडिकल या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ इन मलेशिया, तो आपके पास सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद क्या करना है, आपने अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ आपने शॉर्ट लिस्ट कर ली कि ठीक है मैंने फॉर एग्जांपल 5 यूनिवर्सिटीज़ ले ली है, मैं 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करूँगा। आपने उन यूनिवर्सिटीज़ की साइट पर जाके उनकी रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि आपके जो आपने प्रोग्राम है, अगर आपने कोई प्रोग्राम मिल गया है तो मोस्टली वेबसाइट्स के ऊपर सारी की सारी डिटेल पड़ी होती है वहाँ पे कि ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ये GPA, ये CGPA, ये मार्क्स रिक्वायर्ड हैं अप्लाई करने के लिए। जब आपने सारी की सारी डिटेल्स आपने वहाँ से गैदर कर ली, अगर वहाँ पे प्रोग्राम में फिर भी नहीं लिखा हुआ तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट आपने यूनिवर्सिटी को एक ईमेल लिखनी है कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम, कैन यू प्लीज़ गाइड मी फर्दर, या कैन यू प्लीज़ सेंड मी द ऑल द क्राइटेरिया टू अप्लाई और एवरीथिंग। तो हर यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे काउंसलर्स होते हैं, ठीक है, तो वो आपको क्या करेंगे, एरिया रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो आपको एक आप ईमेल के थ्रू आपसे कॉन्टेक्ट करना शुरू कर देंगे और आपको सारी की सारी डिटेल्स बता देंगे। उसके बाद क्या होता है कि आपको जब यूनिवर्सिटीज़ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे के सारे उन्होंने बता दें कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, उनको स्कैन करना है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको कहती हैं कि आप हार्ड कॉपी या उनकी प्रिंट फाइल जो प्रिंट कॉपीज़ जो हैं वो हमें सेंड करें, या मोस्टली क्या होता है वो कहते हैं कि हमें स्कैन कॉपीज़ जो हैं वो सेंड कर दें। आपने अपनी जो स्कैन कॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स की जो है फ्रंट बैक जो भी होगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, पासपोर्ट वगैरह एवरीथिंग, वो आपने उनको सेंड कर देनी है। उसके बाद आपने क्या वेट करना है कि यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे वेरीफाई करती हैं और फिर वो देखते हैं कि जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो उस प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं, कि उस प्रोग्राम के लिए आप सूटेबल हो कि नहीं, आप वो प्रोग्राम चूज़ कर सकते हो या नहीं, ठीक है। सेम लाइक हमारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जब आप एंट्री टेस्ट देते हो तो उसके बाद वो वहाँ पे एक लिस्ट लगती है कि हाँ ठीक है जी ये जो स्टूडेंट्स हैं ये सिलेक्टेड है, सेम वो प्रोसीजर होता है। उसके बाद जब आपका एलिजिबिलिटी ईमेल आ जाती है उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी क्या कहती है कि आपने एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है फॉर हर यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक अमाउंट होती है, एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है कि आपने रजिस्टर करना होता है, वो 1000 रिंगिट भी हो सकती है, 500 रिंगिट भी हो सकती है, 2000 रिंगिट भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी। आपने ये करना है, उसके बाद अपनी जो वो स्पेसिफिक अमाउंट है वो आपने उनको सेंड कर देनी है। मेरा ये मशवरा ये है कि आपने जो अमाउंट सेंड करनी है, अगर तो आपका बैंक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड करता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप अपने किसी भी दोस्त या अपने किसी फैमिली मेम्बर को बोलें जो आउट ऑफ पाकिस्तान हो कि वो वहाँ से अमाउंट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दे, ठीक है। वंस द यूनिवर्सिटी विल कन्फर्म योर पेमेंट कि आपने जो पेमेंट थी वो रजिस्ट्रेशन की वो आपने सेंड कर दी है, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको एक ऑफ़र लेटर सेंड कर दिया है। ऑफ़र लेटर में क्या होता है कि अब वो सारे एक किस्म का एडमिशन लेटर होता है कि हाँ जी ठीक है ये स्टूडेंट जो है ये इस प्रोग्राम में इसका एलिजिबल है और ठीक है ये अप्लाई कर रहा है हमारे लाइक यूनिवर्सिटी में और आप इसको एज अ स्टूडेंट लाइक कहते हैं एक्सेप्ट करते हैं, सेम लाइक जस्ट मैं आपको रफली उसका आइडिया बता रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है,
जब आपके पास ऑफर लेटर आ जाएगा, यूनिवर्सिटी क्या करेगी, यूनिवर्सिटी देन आपको बोलेगी कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी जो होती है वो सेंड करनी होती है। लास्ट मैंने जो एक साल पहले जो की थी वो तकरीबन 2100 रिंगिट थी, तो अब पता नहीं चेंज हो गई होगी या उतनी होगी, ज़्यादा होगी होगी, कम होगी, डिपेंड करता है, वो यूनिवर्सिटी आपको बता देगी। देन आपने वो अपनी जो पेमेंट होती है वो यूनिवर्सिटी को सेंड करनी है। वीज़ा वगैरह सारा यूनिवर्सिटी करेगी आपके, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या प्रोसीजर आगे। आपने यूनिवर्सिटी को पेमेंट सेंड कर दी, फिर आपने यूनिवर्सिटी को अपना जो पासपोर्ट की जो हर पेज की जो स्कैन कॉपी होती है फ्रॉम द स्टार्ट टिल एंड, सारा पासपोर्ट आपने उसका स्कैन करके हर पेज को उनको सेंड करना होता है, ठीक है। और कुछ और लाइक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पासपोर्ट साइज पिक्चर होती है, और अभी मुझे याद तो नहीं है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी आपको जो ईमेल भेजेगी उसमें सब कुछ लिखा होगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपका केस जो होता है वो EMGS को सेंड करती है, यहाँ पे मलेशिया में जो एजुकेशन मिनिस्ट्री जो होती है, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए। आपका जब केस EMGS को चले जाएगा, फिर आपने क्या करना होगा, आपने यूनिवर्सिटी आपको एक लिंक देगी EMGS की वेबसाइट का, कि आप वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर जाकर अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करें, अपनी नेशनलिटी चूज़ करें, और वहाँ पर लाइक ट्रैक में एप्लीकेशन पर क्लिक करें। ट्रैक में एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको अपना जो वीज़ा प्रोसेस होगा वो सारे का सारा वहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। वो 0 से लेके 100% तक जाता है। EMGS अप्लाई करने के बाद आपका केस, आपको एक ईवैल इशू होता है, जो वीज़ा अप्रूवल लेटर होता है, वो EMGS आपको लाइक प्रोवाइड करती है। वो जो आपका प्रोसेस है वो जब 70% है, 75% हो जाएगा, तो इसका वहाँ पे लिखा आ जाएगा कि योर वीज़ा अप्रूवल लेटर इज़ अप्रूव्ड, तो वहाँ से आप अपना वीज़ा लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस जो होता है ये ऑलमोस्ट आपका टू वीक्स या 3 वीक्स मैक्सिमम जाता है, डिपेंड करता है कि कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ना EMGS मांग ले यूनिवर्सिटी से, ठीक है। मेरा जो था आई थिंक टू वीक्स लगे थे, मेरा लेटर आ गया था। उसके बाद क्या करना है, वो लेटर लेने, वो वीज़ा अप्रूवल लेटर होता है, उसके बाद आपने क्या करना है कि वीज़ा अप्रूवल लेटर लेने के बाद आपने वो लेटर, अपना पासपोर्ट, वो आपने जाके किसी भी अब मैंने रावलपिंडी से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैंने वहाँ पे एक कल सेंट्रल था जिसका एक ट्रैवल एजेंसी थी जो एज अ ड्रॉप बॉक्स काम करती थी मलेशियन एम्बेसी के लिए। तो मैंने वहाँ पे जाके अपना पासपोर्ट सबमिट किया, क्योंकि उसके बाद आपने जब आपको वीज़ा लेटर इशू हो जाता है उसके बाद आपने लेना होता है सिंगल एंट्री वीज़ा, ठीक है। सिंगल एंट्री वीज़ा वो आपने खुद अप्लाई करना होता है। तो वो जब मैंने वहाँ पे उनको पासपोर्ट सबमिट किया, तो उसकी आई थिंक मैंने उस टाइम पे किया था अराउंड 17,000 to 18,000 मैंने अर्जेंट अप्लाई किया था। अगर आप नॉर्मल अप्लाई करें तो अराउंड 11,000 to 12,000 होती है, अब वो वेरी करता है, चेंज होती रहती हैं प्राइसेस। मैंने वो अपना अर्जेंट अप्लाई किया था, तो मेरा जो सिंगल एंट्री वीज़ा था वो मुझे तकरीबन 4 दिन के अंदर, 3 से 4 दिन के अंदर मुझे मिल गया था, ठीक है। जब आप नॉर्मल अप्लाई करें तो आई थिंक 1 वीक लगता है, या 1 वीक से 10 to 2 वीक लगते हैं उसमें, ठीक है। तो मुझे तकरीबन 4 दिन बाद मेरा वीज़ा मिल गया था। उसके बाद आपने करना होता है, जब आपको वीज़ा मिल जाता है फिर मैंने अपनी टिकट बुक करवाई, ठीक है। टिकट बुक करवाने के बाद यूनिवर्सिटी एक आपको अराइवल फॉर्म देती, सेंड करती है, ठीक है। अराइवल फॉर्म में क्या होता है, उसमें आपकी हर डिटेल होती है कि आप, मैं इस फ्लाइट से आ रहा हूँ, ये फ्लाइट नंबर है, इस टाइम पर लैंड करेगी वहाँ पर, और ये मेरी सारे एग्जैक्ट डिटेल्स हैं। वो इसलिए क्योंकि जब आप कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर, मलेशिया किसी भी एयरपोर्ट पर आप पहुँचते हो, तो इमिग्रेशन से आप खुद नहीं क्लियर कर सकते। वो इसलिए क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव आएगा, वो इमिग्रेशन में आपके पास आएगा, वो आपको लेके जाएगा काउंटर पे, और तब आपकी इमिग्रेशन क्लियर होगी। उसके अलावा आपकी इमिग्रेशन नहीं क्लियर होगी क्योंकि आप स्टूडेंट वीज़े पे होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट लेटर पे होते हैं। जब आपने क्योंकि लेकिन उसके बाद क्या होता है कि डिपेंड करता है कि आपने यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहना है या अपनी कोई आपकी अकोमोडेशन है, ठीक है। मोस्टली होता है कि यूनिवर्सिटी का एक रूल्स होते हैं कि आपने 6 मंथ्स तक एक हॉस्टल में, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में अकोमोडेशन में रहना होता है। तो वो जो बंदा होगा रिप्रेजेंटेटिव जो होगा, वो आपको इमिग्रेशन से लेके आपको यूनिवर्सिटी के हॉस्टल तक ड्रॉप कर देगा। ये सारे का सारा आपका जो प्रोसेस होता है, और इसके बाद जो सारे का सारा प्रोसेस होता है कि आपने जब
आप यूनिवर्सिटी आपने जब हॉस्टल पहुंच गए, हॉस्टल पहुंचने के बाद आपने या तो सेम डे या नेक्स्ट डे आपने यूनिवर्सिटी जाना होता है। यूनिवर्सिटी जाके आप अपना पासपोर्ट सबमिट यूनिवर्सिटी को करवाते हो, क्योंकि आपको एक स्टूडेंट पास इशू होना होता है जो आपका एक्चुअल वीज़ा होता है, ठीक है। वो एक साल का होता है हर, लाइक अगर आपका 6 महीने का प्रोग्राम है, 6 महीने का कोर्स है तो 6 महीने का वीज़ा होगा। अगर आपका 3 साल की डिग्री है, बैचलर्स डिग्री है, तो आपको साल साल के 3 पास मिलेंगे। मेरा एक्चुअली मास्टर्स था, तो मास्टर मेरे 1.5 ईयर का था, तो मुझे 2 पास मिले हैं, ठीक है, एक साल का, उसके बाद 6 महीने का। उसके बाद क्या होता है, जब आप अपना पासपोर्ट यूनिवर्सिटी को सबमिट करवा देते हो, उसके बाद आपने अपने मेडिकल करवाना होता है। मेडिकल वो डिटेल्स वहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर देती है कि ये क्लिनिक्स हैं, यहाँ पे आप जाकर अपना मेडिकल करवा सकते हो। वहाँ पे जाके आपका ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, आई साइड और बाकी बॉडी सारी की सारी चेक होती है, एक्सरे वगैरह होता है। उसके बाद जब आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है, मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको जो स्टूडेंट पास होता है वो इशू होता है, और वो आप यूनिवर्सिटी जाके कलेक्ट कर लेते हो, और यूनिवर्सिटी से आपको पासपोर्ट मिलता है और आपका आई कार्ड मिलता है। आई कार्ड आपका जिस तरह हमारा जो शिनाख्ती कार्ड होता है उसी तरह का आई कार्ड होता है, और आपको इंश्योरेंस कार्ड मिलता है, और ये सारे का सारा प्रोसीजर होता है। इसमें आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये कि थोड़ी सी रिसर्च खुद करनी पड़ती है, और वो भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ना आपको किसी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है। हाँ, आइल्स का जब मैं आया था, मुझे यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं थी आइल्स की, लेकिन मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, और अब जहाँ तक मेरा ख्याल है अब हमारी यूनिवर्सिटी की भी रिक्वायरमेंट हो गई हुई आइल्स की। मैंने सिर्फ अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर दिया था, जो कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से लिया था जहाँ से मैंने बैचलर्स किया था। मैंने इनको डॉक्यूमेंट सिर्फ अपनी मैट्रिक की, सेकेंड ईयर की और बैचलर्स की डिग्री और जो मार्कशीट थी वो मैंने सिर्फ इधर यूनिवर्सिटी को सेंड की थी, एंड दैट्स ऑल। एट द एंड मैं आपको सिर्फ एक सजेशन दूंगा, वो आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहें ना करना चाहें। मैंने अपने सेफ साइड के लिए की थी कि मैंने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे मैट्रिक की, SSC, HSC, बैचलर्स की डिग्री जो थी, मैंने वो अटेस्ट करवा ली थी फॉरेन अफेयर्स से। यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी करवा ली थी, क्योंकि पूरा सेफर साइड, अगर आपने कहीं यूनिवर्सिटी में कहीं बाहर और अप्लाई करना होता है, किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना होता है, तो डॉक्यूमेंट जो होते हैं वेरीफाइड फॉरेन अफेयर से, वो ठीक रहते हैं। वो जो प्रोसेस था सारे के सारा अटेस्ट करवाने का, वो एक काफ़ी लंबा प्रोसेस था। वो मैं आपको, अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, तो मैं उस पर भी अलग सी वीडियो बना दूंगा। सिर्फ इन शॉर्ट मैं आपको अभी ये बताता हूँ कि प्रोसेस क्या होता है। जो आपकी जो डिग्री होती है मैट्रिक की और सेकंड ईयर की, सबसे पहले आपने अटेस्ट करवानी होती है अपने बोर्ड से। पिंडी बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है। मेरा फेडरल बोर्ड था, तो मैंने वहाँ से अटेस्ट करवाई थी। अटेस्ट करवाने के बाद वो आपको एक इन्वेलप देते हैं, वो इन्वेलप आपने ओपन नहीं करना होता, वो इन्वेलप आपने जाके IBCC इंटर बोर्ड कमीशन समथिंग, प्रॉपर नेम है, वो भी इस्लामाबाद में ही है, हर उसका प्रोविंस का अपना अपना होता है, वहाँ पे जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। बोर्ड से, फेडरल बोर्ड से अटेस्ट होने के बाद IBCC से अटेस्ट होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक और सेकंड ईयर के, उसके बाद वो जाके अटेस्ट होंगे फॉरेन अफेयर से, ठीक है। ये यहाँ तक था। अगर आपने बैचलर्स की डिग्री अटेस्ट करवानी है, उसका क्या प्रोसेस होता है। बैचलर्स की डिग्री पहले होती है HEC से, हायर एजुकेशन कमीशन से अटेस्ट, उसका अलग प्रोसीजर होता है। उस पर आपने पहले अप्लाई करना होता है उनकी वेबसाइट पे, वो सारा मैं डिटेल आपको बता दूंगा। उसके बाद क्या होता है, जब वहाँ से अटेस्ट हो जाती है, उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, तीनों डिग्रीज लेके आप फॉरेन अफेयर जाओ, और फॉरेन अफेयर से वो अटेस्ट हो जाती है, और ये सारे का सारा प्रोसीजर होता है अपने फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाने का डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आपको इस पर प्रॉपरली वीडियो चाहिए, तो मैं आपको इन डिटेल वीडियो इस पर भी बना दूंगा। इफ़ नॉट देन, जो भी आपके क्वेश्चन है या जो भी आपको कोई कंफ्यूजन है, जो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं जो भी अपडेट्स होती हैं मलेशिया स्टूडेंट्स के बारे में या इमिग्रेशन के बारे में, वो भी मैं देता रहता हूँ वहाँ पे। और क्या, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आप में से किसी एक या दो की हेल्प हो जाए, तो मेरे लिए ये वीडियो बनाने का पर्पस होगा, पूरा हो जाएगा। एंड आई होप कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी जल्द आ जाए। सो टिल देन, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।